नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का माहौल क्या है। जिस प्रकार से चुनावी जो चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। युवा जो है कई बार कहता है कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छे कार्य कर रही है, यही सरकार रहनी चाहिए। कुछ युवा चाहते हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं जो जुड़ चुके हैं। आपका नाम? लावण्या। लावण्या, लावण्या जी, जिस प्रकार से अब चुनाव भी हैं तो क्या लगता है कि चुनावी माहौल में क्या परिवर्तन होना चाहिए, या फिर जो मौजूदा सरकार है उसी से आप खुश हैं और लगता है कि आगे भी अच्छा काम करेगी ये सरकार, जिस प्रकार से वो अपने अच्छे कार्य गिनाती है सरकार? देखो, मेरे हिसाब से मैं बुरा नहीं बोलूंगी, बट एक चीज ठीक है, दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी चल रही है, केजरीवाल जी चल रहे हैं, काफी सही है उनका भी, मतलब वो काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, उनकी वजह से काफी चीजें अच्छी हुई है। बट पूरी तरह से हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम उनको नहीं देख सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में, जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, जैसे मोदी जी आए, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं और उनके चेंजेस दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने चेंजेस करे हैं बट एक लिमिट तक करे हैं, एक लेवल तक, कि ठीक है उन्होंने लोकल्स को खुश हुआ है। देखो, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली वालों के लिए बहुत चीज़ें उन्होंने सस्ती करी, बहुत चीज़ें फ्री में दी, उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स बनाई हैं अपने इलेक्शंस या अपने वोट्स पाने के लिए, बट वो टेक्निक्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें बिफोर बीइंग अ दिल्लीआइट, वी आर ऑल इंडियंस, तो एक तरीके से हमें देश का अगर फ्यूचर देखना है, और दिल्ली में, दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, तो कैपिटल में एटलीस्ट वो पार्टी हो जो देश के लिए आगे तक सोचती हो, मेरे हिसाब से, फॉर माई पर्सनल ओपिनियन। बिकॉज बीजेपी क्या करेगी, शुरुआत कहीं ना कहीं वी आर इन द सेंटर ऑफ इंडिया, राइट? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है यूपी में, बाकी जगहों पे, हमारी दिल्ली में, पूरे इंडिया में वो काफ़ी अच्छे करी, और बात सिर्फ ये है, सरकार वो होनी चाहिए जो इवॉल्व करती रहे खुद को, जो बुरे टाइम्स में साथ ना छोड़े। देखो, अच्छा कोई भी, हमारी कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पार्टी आए, अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी, लेकिन अच्छाई जो हो तब वो और अच्छाइयाँ पे फोकस करे, और अगर बुरा हो तो साथ ना छोड़े, ये चीज़ मुझे बीजेपी में ज़्यादा दिखती है। हमारे साथ एक और युवा है, आपका नाम? सुप्रियो राय। सुप्रियो राय जी, आप क्या, आपके माइंड में चलता है और क्या आप अपना व्यू रख रहे हैं कि जिस तरीके से अब चुनाव आ रहे हैं, क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? लेकिन बदलाव, अगर सच बताने, बदलाव तो हर कोई चाहता है वैसे बेसिकली। अगर मतलब अगर आप ये पूछना चाहिए करेंटली अगर कौन सी पार्टी को रहना चाहिए इलेक्शन के टाइम, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने मतलब आम आदमी पार्टी में एक रेवोल्यूशन देखा है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो, जैसे आजकल आप सरकारी स्कूलें देख लीजिए, पहले ऐसा था कि लोग अगर कोई बच्चा कहता था मैं सरकारी स्कूल से पढ़ता तो कहते अरे छी 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 चाचा प्राइवेट स्कूल। तो आजकल देखा स्कूल को भी डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद देखा जाए कि बिजली फ्री, अगर मैं सच में लॉकडाउन के बाद मेरे को बिजली फ्री मिली है, मैं भी ऐसे मिडिल क्लास देखा जाए बहुत लोगों से अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जितना वो यूज नहीं करते उतनी बिजली ज्यादा आती थी, मतलब ये सारे बेनिफिट, मतलब जो जो मतलब लेडीजों को बेनिफिट जो मिले। मैं कहता हूँ कि लेकिन अगर एज अ युवा को देखना चाहिए, अगर आप अगर और भी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये तो है एक स्टैंडर्ड लेवल पे क्या, अगर लाइक अगर मान लीजिए और भी कुछ कर सकते, लाइक युवा के लिए नई नई स्किल्स अपॉर्चुनिटी लेके आए, नई नई चीजें सिखाए, जैसे कि अगर जैसे कि आजकल लोगों को ड्रग्स वगैरह की आदत लगने जा जाती है, लोनलीनेस ज्यादा हो गया, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या ला सकते हैं, कैसे हम खुशहाल जिंदगी जा सकते हैं, उन सोशल कैंपेन्स में भी काम करे सरकार। मैं ये चाहता हूँ, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। और जैसे कि अगर देखा जाए, आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए दिल्ली में जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किया, मेरे हिसाब से कहीं से मैंने देखा, एज ए जनरल पब्लिक अगर मैं देखूँ तो मुझे ये फायदे मुझे दिखे, क्योंकि सच बताओ मेरे एक टाइम ऐसा भी था, मेरे घर में मम्मी थी, मासी थी, बहुत सारी फीमेल एक टाइम आई थी, तो अगर मान लीजिए कहीं पर हमें जाना होता था, हम सस्ता देखते कहाँ जाते, तो बस का खर्चा उनका बच गया जहाँ पे भी हम जाते थे, तो एक प्रकार से सेविंग पे भी हो रही है, क्योंकि देखिए हम लोग टैक्स वगैरह सब देते हैं, हम कहते हैं हम टैक्स देते हैं लेकिन कभी हमें बेनिफिट नहीं मिला, यही बेनिफिट हमको फ्री के रूप में मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि फ्री में ना करें लेकिन और भी बदलाव लेके आए, तो यही मेरा ओपिनियन है। वैसे मैं किसी पार्टी को लेकर ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी है, अगर आप ना भी आए लेकिन अगर बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मैं चाहता हूँ कि ऐसा डेवलपमेंट का बेटर बड़ा होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है, बदलाव बड़ा होगा तो हम खुश रहेंगे, बदलाव बड़ा नहीं होगा तो चाहे कोई भी पार्टी हो हम खुश नहीं होंगे। अभी तक बदलाव दोनों के अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले बोला, ज्यादा बदलाव मुझे बीजेपी के दिखे, तो मैं बीजेपी सपोर्ट करूंगी। आपने करे हैं बदलाव, बट मैं आगे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा कह सकती हूँ।
जैसे मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे बने, जैसे बहुत सारे होते थे कि गरीब लोग कोई मतलब ऑपरेशन कराना हो या कोई मतलब मेडिकल प्रॉब्लम दिखाना हो, सोचते कहाँ पे कराए। बहुत जगह दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल फ्री भी कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, क्योंकि ये हेडेक कम हो गया बेसिकली। अगर जैसे लाइक मान लीजिए अगर आज मुझे कुछ होता है बेसिकली, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि भैया मैं कहाँ जाऊँ, प्राइवेट के धक्के लगाओ, ये करो। तो गवर्नमेंट में है सुविधा, वैसे दिल्ली सरकार ने ऐसी की है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर आए तो कोई और भी पार्टी उससे भी बेहतर डेवलपमेंट करे, मैं ये चाहता हूँ। देखिए युवा भाई ने बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मेरा नाम पंकज भारद्वाज है, दिल्ली के बवाना विधानसभा का मैं छित्रा निवासी हूँ, बरवाला गांव है। तो ये जो भाई के ने कहा, दिल्ली के स्कूल, मैं दिल्ली के स्कूलों से पढ़ा हूँ, प्राइमरी मेरी एजुकेशन गांव से हुई है और मेरे लूड लोकेशन नंबर वन रूपनगर फर्स्ट में पढ़ा हूँ। तो जो भाई ने बात की प्राइवेट स्कूलों से कंपेयर कर रहे हैं, तो दिल्ली के टॉप के स्कूल जहाँ पर ये इन्होंने कहा कि बदलाव सरकारें बनी है, शिक्षा पे बात की है, तो दिल्ली के टॉप के स्कूल पहले से रहे हैं और लूड लोकेशन नंबर रूपनगर नंबर वन, शक्ति नंबर नंबर वन, तो इस टॉप स्कूल जिसका वहाँ पर एडमिशन भी करवाना है 100 रुपये की बात होती थी। तो ये स्कूल का मॉडल। और स्कूल में क्या किया, एक लिपस्टिक बिंदी लगाई है, टीचरों की भर्ती नहीं की, कि ड्रॉइंग के टीचर नहीं है, पीजीटी टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं बना दी। और आपको मैं बता दूं भाई, आपकी तो मेरी तो शादी हुई, मेरी बच्ची 10th सरकारी स्कूल से पढ़ाया, मैंने प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाया, सरकारी स्कूल भी पढ़ाया है। तो सरकारी स्कूल की जो आप बात करें, आप टीचर, आप जब बेसिक उसमें जाएंगे तो हमें टीचर ही नहीं है। मेरी बच्ची को ड्राइंग की शौक है और जो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट गए 15 रुपये एक महिला को फ्री का टिकट की तो दिया, लेकिन जब ऐसे युवा पढ़कर कॉलेज पास आउट हुए उनके लिए कौन सा रोजगार दिया, कौन सा डेवलपमेंट दिया, कौन सा नया कॉलेज दिया, कौन सा नया टेक्नोलॉजी के लिए कोई इम्प्लीमेंट की, जो आए थे बड़े बड़े वादे कर जो बच्चों की कसम खा के आए थे, जो कहते भ्रष्टाचार मिटा के वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, तो जो जनता को गुमराह कर और जो कोरोना में ई राशन कूपन योजना बनाई, जो जो बहन ने बात कही कि साथ ना छोड़े, सबसे पहले यही सरकार दी, आप साफ सरकार झाड़ू सरकार भागी थी साइडें बंद कर। ये जो चीजें कोरोना में जो इनके विधायकों और इनके मंत्रियों पर ऑक्सीजन जो लोग तराई तराई थे किसके घर पे मिले, और जो इनके कानून मंत्री फर्जी डिग्री में पाते हैं उनका बचाव करते हुए आधी डेवलपमेंट दिखावा कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसी कुछ हो रहा है कि उम्मीद पे इतने सालों से आपकी सरकार टिकी हुई है, लेकिन कुछ की उम्मीद में भैया बड़ा सोचो, बड़ा देखो, डीप में जाओ थोड़ा। क्या बोल रहे हैं आप तो हमारी मैंने तो अपने ओपिनियन बोले, मैंने ओपिनियन बताया, मैंने मैं सच बताऊं ना, मैं पॉलिटिकल मैटर में इतना रहता नहीं, मैंने देखिए एज अ जनरल पब्लिक अपने महसूस किए, मैंने एज अ जनरल पब्लिक जो फील किया, ये बात है, क्योंकि हर इंसान अपना फायदा देख, जो आप भाई ने कही तो मैं आपको याद दिला दूं। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या रोजगार देना केवल राज्य सरकार का ही काम है? नहीं, केंद्र सरकार का भी तो काम है ना। एग्जैक्टली, रोजगार देना सिर्फ राज्य सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार का भी काम है। बट बात यह ना कि ओवरऑल हमारे जो भारत देश है उसमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। मुद्दा ये है, चाहे जहां भी मिल रही है रोजगार अच्छे से मिलना चाहिए। अब क्या हो रहा है, सरकारें बटी हुई है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे कांग्रेस में बोल सकती हूँ, बट बटी हुई है, बट बटने से सबको रोजगार तो नहीं मिल रहा ना। और रोजगार, मैं कहती हूँ रोजगार ऐसे नहीं मिलता, आपको पढ़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि फ्री में आपको रोजगार मिल जाएगा। बट अगर आप जो कितने लोग हैं लगन वाले जो पढ़ लिख के भी कर रहे हैं, पीएचडी पढ़ी हुई मैडम जो है वो पकौड़ा बेच रही हैं, तो वो तो पढ़ी हुई है ना, आप जैसे कह रहे हैं ना, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर सरकार सपोर्ट करे रोजगार में तो और बेटर रहेगा। अब क्या हो रहा है ना, मैं अगर क्योंकि आपने दिल्ली का पूछा तो मैं दिल्ली का बता सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी, मैं जैसे पहले भी बोला था, आधी चीज अब वो लालच देगी, वो आपको दिखाएगी कि हाँ भाई हमने स्कूल में ये कर दिया, जैसे इन्होंने भी बोला था कि दिखा दिया, दिखावा अच्छा हो रहा है। कहते ना, अगर मैं इंग्लिश में एक लाइन कोट करूं कि कॉफी बेटर होनी चाहिए या कप बेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे कप, आम आदमी पार्टी कप को अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो कॉफी है वो जो जरूरी चीज है वो अच्छी नहीं हो पा रही। लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो अच्छे पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं स्कूलों से। स्कूल से बाहर निकल जाओगे, कॉलेज पढ़ लोगे, कॉलेज के बाद फिर अगर आपको रेडिया लगानी है या फिर कॉलेज के बाद आपको भटकना है अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए, क्या फायदा हो स्कूलिंग का? नहीं, बच्चों है जो आप बात कर रहे हैं, जो बच्चे 10th पास करते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, वो बच्चा अपनी लगन से आता है। स्कूल के टीचर पहले भी मेहनत करते थे, हम जब पढ़ते थे
जो टीचर फ्री में ट्यूशन देते थे आज कितने टीचर दे रहे हैं, जो बात करें स्कूलों की, सरकारी स्कूल दिल्ली के राजधानी का जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कही है, कोरोना में मोहल्ला क्लिनिक दिलसाद गार्डन में ताला बंद था, और आप जो जैसे आप कह रहे रोनी में चले जाए, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बना हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक गंदे नाले के साथ बना हुआ है, नाला ये बह रहा है वहां पर मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पर इलाज होगा या गंदगी सुगंध लेगी, जो बीमार व्यक्ति जाएगा वहां सुगंध लेंगे। तो जो चीजें करी और जो आज कहते थे एमसीडी मुझे दे दो जी, जो दिल्ली की बेसिक नीड है, जो बेसिक चीजें दुरुस्त मुहैया करवाती है, 3 महीने में कूड़े पार हटा देंगे जी, गली गली से सफाई कर देंगे जी, गली गली से हम कूड़ा निकाल देंगे जी, आज गंदगी की भरमार है। जो वादे नहीं, जो सारे साल तक बीजेपी रही है एमसीडी में, जब उसे इतना टाइम लग गया सुधारने में, सफाई करने में दिल्ली को, तो इसमें टाइम आप चाहते कि थोड़े दिन नहीं, नहीं, जो आपने बात की बीजेपी की जोर आम आदमी पार्टी किसी पार्टी से नहीं, लेकिन मैं आपने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की आपको कोट नहीं कर रहा, आप जो व्यू ले रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया, हम इतने दिन में ये कर देंगे। और जो आप बात कर रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट सबसे उंगली उठाने वाला यही था, कूड़े पहाड़ पर जाकर चढ़ते थे वो, अपना पूरा प्रतिमंडल लेकर जाते थे, कभी गाजीपुर बॉर्डर जाते थे, कभी बलासवाड़ जाते थे, कभी कहीं जाते थे, तो ऐसे लोग। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम रौनक मालाकार है। आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या दिल्ली में क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए दिल्ली बर्बाद हो रही है, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बर्बाद कर दिया है, दिल्ली की जनता जो है केंद्र और राज्य सरकार के दोनों बीच में पिस रही है, ठीक है, ना केंद्र यहाँ पे ध्यान दे रही है ना दिल्ली सरकार ध्यान दे रही है, देश के लिए और दिल्ली के लिए खतरा तो अरविंद केजरीवाल है, परंतु जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी करें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ भी नहीं करा, लिटरली कुछ भी नहीं करा है, क्योंकि 2 मिनट रुक जाओ सर, ठीक है। हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो मतलब जो लोग इतने बड़े बड़े वादे कर आए, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए है और आज स्वयं वो भ्रष्टाचार में गए हुए हैं, ठीक है, इससे बड़ी जो है दिल्ली के लिए कैसी कौन सी बात होगी, मतलब एक व्यक्ति जो ये कह कर रहा है कि मैं तुम्हारा भला करूं आज खुद ही जो है अपना भला करके जेल गया हुआ है, ठीक है। दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ का है, 78,000 करोड़ का है, ट्रांसपोर्ट इनके पास है, पीडब्ल्यूडी इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, हेल्थ इनके पास है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इनके पास है, पर ये लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। करा क्या उन्होंने? घोटाला करा, ठीक है, इन्होंने करा क्या? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पाला, इन्होंने करा क्या? दिल्ली को जहरीली हवा में मारा, इन्होंने करा क्या? दिल्ली की जनता को दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से गंदा पानी पिलाया, इन्होंने ना सड़कें ठीक करी, आज लोग दिल्ली के लोग अपने पड़ोस की गलियां देख लेंगे, पता चल जाएगी क्या विकास करा। लेकिन लोग तो उन्हें फिर कैसे दिल्ली का सीएम बना दिया, लोगों ने कुछ काम किए हैं, कर रहे हैं, तभी तो बनाया है। देखिए काम कुछ नहीं करा है, दिल्ली की जनता के उन इमोशन के साथ खिलवाड़ करा है, दिल्ली की जनता को लगा कि यार ये व्यक्ति एक आम व्यक्ति है और हमारा जो है हमारे लिए कुछ करेगा। आप बताइए, खुद 3.5 लाख की सैलरी लेते हैं और आपको पता है जब 2015 में म्युनिसिपल मेजोरिटी सरकार बनी ने पहला काम क्या करने की कोशिश करी? 400% में सभी एमएलए की सैलरी बढ़ाने की कोशिश करी है, और ये कहते हैं आम आदमी है। ये कैसे आम आदमी जो गुजरात चुनाव में जाते हैं 8 से 10 लाख रुपए महाराज सूट में रुकने की सैलरी देते हैं, रुकने चाहते तो गेस्ट हाउस में रुक सकते थे सीएम होने के नाते, दूसरे राज्य और 8 से 10 लाख रुपए सैलरी देते हैं, खुद का भ्रष्टाचार का केस जो है जनता के पैसे से लड़ रहे हैं। तो अब क्या परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? दिल्ली में एक नया दल बनना चाहिए, दिल्ली में एक नया नेतृत्व खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भाजपा भी काम नहीं कर रही है, ठीक है, दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हम बात करें, माहौल तो दिल्ली में आप जिस प्रकार से बता रहे हैं तो लग रहा है जो 7 सीट है वो किसको मिलनी चाहिए? देखिए जहां तक बात रही केंद्र सरकार की, तो केंद्र के लिए दिल्ली की जनता स्पष्ट है कि मोदी जी आएंगे, तो केंद्र के लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि वही देश को लीड कर सकती है, वही देश को विकास के राह पे और तेजी से ले जा पाएगी। मैम मेरा नाम एसबी मलिक है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यूपी का। ये बात दिल्ली की नहीं है, बात है ये केंद्र की, क्योंकि ये जो लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली का माहौल जानना चाह रहे हैं। दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? देखो मैं तो यूपी का माहौल बता सकता हूँ अपना। चलिए बता दीजिए। मेरा यूपी का माहौल ये है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की, 2, 4, 5, 7 सीटों के अलावा जहाँ तक मेरी नजरों में वहाँ पे पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में। हाँ, वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो बीजेपी के ही सांसद जीतेंगे और बीजेपी की वहाँ पे लहर है यूपी में, ठीक है। हाँ, और काम किए हैं योगी जी ने? जी योगी जी काम कर रहे हैं जी। हाँ वो तो कर ही रहे हैं, वो तो केंद्र में भी और प्रदेश में भी हर जगह कर रहे हैं वो तो काम।